हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी। अपना वादा निभाते हुए आज हम फिर आपके लिए वीडियो लाए हैं की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक्स के सेशंस के साथ। जेनेटिक्स में एक टर्म यूज किया जाता है, वो है डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट एलील। तो आज हम अपने की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक्स में इसी को डिस्कस करेंगे कि डोमिनेंट एलील क्या है, ठीक है। और आपने अक्सर दो टर्म सुने होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, बस वही सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है जो आपके साथ नीट एग्जामिनेशन की या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डोमिनेंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, हम उसको पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, एन एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द सेम फॉर्म वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन इज नोन एज डोमिनेंट एलील। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। एक्सप्रेस का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें वो फीनोटिपिकली दिखाई देता है, उसका हमें फीनोटाइप दिखाई देता है, यानी कि फिजिकली वो अपीयर है, ठीक है। चाहे वह कंडीशन यहाँ पर होमोजाइगस हो या फिर हेटरोजाइगस हो, ठीक है, ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में वो विजिबल होता है, वो कैरेक्टर जो इस डोमिनेंट एलील के द्वारा एनकोड किया जा रहा है। तो इस प्रकार के एलील को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील अथवा डोमिनेंट जीन। अब चलिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। होमोजाइगस क्या कंडीशन थी, जब दोनों जीन सेम थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं होमोजाइगस जीन कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस इन पी प्लांट, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन थी, ठीक है। एक और होमोजाइगस कंडीशन थी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दोनों जो हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। एक और कंडीशन यहाँ पर हो सकती है विच इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे हम कहते हैं हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो अगर हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं, तो ये जिस प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। और जिस प्लांट का जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी होगा, यानी कि जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, वह कैसा होगा बच्चों, वह ड्राफ होंगे, यानी कि बौने होंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जीन कैसे हैं, स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्लांट की बात करूं जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि उसे एक पेरेंट से कैपिटल टी मिला है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी मिला है, तो बच्चों होता क्या है कि इस कंडीशन में क्या हो, क्योंकि दोनों में से एक ही एक्सप्रेस हो सकता है, या तो वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। लेकिन होता क्या है कि केवल ये वाला जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है, यानी कि जो प्लांट है या जो ऑफस्प्रिंग है या जो कोई ऑर्गेनिज्म है उसका फीनोटाइप जो है वो जिस जीन द्वारा एनकोड किया जा रहा है हेटरोजाइगस कंडीशन में, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। इस जीन की प्रेजेंस की वजह से इसका एक्सप्रेशन जो है वह नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डोमिनेंट हो जाता है, यानी कि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है और खुद एक्सप्रेस हो जाता है, यानी कि फिजिकली हमें वो कैरेक्टर देखने को मिलता है हेटरोजाइगस कंडीशन। अच्छा, होमोजाइगस कंडीशन में तो ऑब्वियसली और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो होमोजाइगस कंडीशन में वही जीन एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन हेटरोजाइगस कंडीशन में जो जीन एक्सप्रेस करता है खुद को, ठीक है, फिनोटिपिकली या फिजिकली
वह कैरेक्टर हमें दिखाई देता है जो एक स्पेसिफिक जीन द्वारा एनकोड किया जा रहा है, हम उसको डोमिनेंट कहते हैं। और एक वह जीन, उसके साथ वाला जीन जो दूसरा एलेल है यहाँ पर, वो प्रेजेंट तो है परंतु वह एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यानी कि उसका फिनोटाइप कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है, तो वह रिसेसिव है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे कि शीट का कलर को लेके लेते हैं, ग्रीन और येलो, ठीक है, येलो का है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ग्रीन का है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, तो ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। अब इनके क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, उसका जेनेटिक मेकअप होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो शीट का कलर होगा वो येलो होगा, क्या रहेगा, येलो, ठीक है, वो येलो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल, तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन कौन सा हुआ, ये वाला, यानी कि इस जीन की प्रेजेंस की वजह से ये जो स्मॉल वाई जीन था ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया और शीट का कलर हमें देखने को मिला येलो। तो होमोजाइगस तो डोमिनेंट जीन कौन से हैं और डोमिनेंट एलील कौन से हैं, वह एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस होते ही होते हैं परंतु हेटरोजाइगस कंडीशन में भी फीनोटिपिकली हमें उस जीन के द्वारा एनकोड किया हुआ फीनोटाइप देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। तो सिंपली डोमिनेंट जीन्स आर, डोमिनेंट एलील्स आर दोज एलील व्हिच एबल टू एक्सप्रेस इन बोथ द कंडीशन, होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटरोजाइगस कंडीशन, सच एलील इज नोन एज डोमिनेंट एलील। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि डोमिनेंट जीन क्या है, ठीक है।